नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान चार मशालों की ज्वाला को युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित किया और अमर जवान ज्योति के साथ समाहित किया। जब पिछले 16 दिसंबर को पिछले साल पीएम ने इन चार स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो 50वें विजय दिवस पर मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता और बलिदान को याद करते हैं। उन्होंने साथ में मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। पहले यह देश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तानी सेना पर भारत की जीत और बांग्लादेश के गठन की वजह से हर साल 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दें कि साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की थी। 16 दिसंबर को इसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को पूरी पाकिस्तान एक तरह से आजाद हुआ था और बांग्लादेश के नए नाम के साथ एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान के 8,000 सैनिकों की इस युद्ध में मौत हुई थी और करीब 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। विजय दिवस को बांग्लादेश में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पाकिस्तान से बांग्लादेश की आधिकारिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। बता दें कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार होने लगा था और उसी दौरान बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की आवाज उठी। 26 मार्च 1971 को आधिकारिक तौर पर आजादी की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण समर्थन दिया था। भारत ने बंगाल से आए शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी। और ये विजय दिवस भारत के सैन्य इतिहास में कितना खास है और आने वाली पीढ़ी इससे क्या सीख सकती है। भारत ने इस युद्ध के बाद अपने आप को वैश्विक स्तर पर किस स्तर पर पहुंचाया, किस मुकाम पर पहुंचाया, उनको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हैं ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी। भगवान सिंह जी, सबसे पहले तो विजय संकल्प दिवस की बधाई आपको, क्योंकि सैनिकों ने वो गौरव भारत को दिया जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी। और ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, युद्ध कई स्तरों पर, कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ा जाता है। सामरिक युद्ध होता है, कूटनीतिक इसमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। मसलन जो पाकिस्तान के जो हवाई जहाज थे, जहां तक मुझे ध्यान आता है, पाकिस्तान के हवाई जहाजों को बीच में भारत की सीमा में एक जगह पर रुककर उनको रिफ्यूल करने के लिए एक हमारी कुछ डील थी, कुछ सौदा था, लेकिन उसको
किस तरह से रद्द किया गया था कि चीन के रास्ते जब तक वो बांग्लादेश पहुंचे तब तक भारत अपना मोर्चा मजबूत कर ले, तो ये इसको बताना नई पीढ़ी को कितना जरूरी आप समझते हैं? हाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिकली जो सप्लाईज उनको होती है, जैसी सप्लाई होती है, चाहे अमुनिशन की हो, राशन की हो, या ऐसा कोई भी हो, ये सप्लाई आपकी एयर से ही हो सकती है लड़ाई में, क्योंकि जहाजों से या कुछ और दूसरे तरीके से चाइना से चक्कर लगा के हवाई जहाजों से भेजे तो बहुत समय लगता है और हिमालय को पूरे को पार करना पड़ता है उनको 2 बार, तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल था। दूसरा, श्रीलंका का चक्कर लगा के बाई सी ऑल्सो उनके लिए आना मुश्किल था, इसलिए जो उनकी फ्लाइट्स पे जो कंट्रोल किया और जो उनकी पाबंदी लगाई, उससे लड़ाई का जो एक शुरू का माहौल होता है, वो वातावरण है, वो हमारे अनुकूल बना। इसकी वजह से क्योंकि उनके उनको एक किस्म से, आप यदि उनको ये पता लग जाए किसी फौज को कि तुम्हारी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो अपने अमुनेशन का, राशन का पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना उनके पास अमुनेशन है वो खर्च नहीं करेंगे, उनको बस बचा के रखेंगे, जितना बचा के रखेंगे उतना ही जो अटैकर है या उसका जो एडवर्सरी है, जैसे हम थे, हमें उतना ही कम नुकसान होगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो फौज ईस्ट पाकिस्तान में थी उस वक्त, जो बांग्लादेश में उस वक्त थी, वो हैंडीकैप्ड हो गई, और जब वो हैंडीकैप्ड हो जाती है तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है। तो नॉर्मली जिस फौज का मोरल डाउन है, जिसका मोरल नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कभी भी ठीक से लड़ नहीं सकते हैं। तो पीछे भागते रहे और हम लोग आगे उनके पीछे भागते रहे और अल्टीमेटली उनको सरेंडर करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सहूलियत हमारी फौजों को दी और जो डिसएडवांटेज ईस्ट पाकिस्तान की फौज को दी वो आपको चाहिए। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़, एक तो युद्ध होता है दो देशों के बीच में, एक देश जीतता है दूसरा हारता है, लेकिन ये युद्ध कुछ अलग तरीके का युद्ध था। इतिहास में इसे एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक देश जो अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करता है, परेशान है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल डगमगा चुकी है, और ऐसे में उन्हें साथ देने के लिए पहल करना, अपनी सीमाएं उनके लिए उस दौरान खोल देना, उनकी मदद करना, और उस देश की स्थापना करते हुए उस देश की नई इकोनॉमी, नई अर्थव्यवस्था, नए देश, नई व्यवस्था, नया प्रशासन, उन सब में उसके बाद तक, ये युद्ध 1971 में खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद में भी उस देश को खड़ा करने के लिए भारत ने कई तरह की मदद वहां तक पहुंचाई, तो ये कितना मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है क्योंकि देखिए, पहली बात तो जो युद्ध किया उससे पहले लाखों शरणार्थी हमारे देश में थे, तो कितना उनकी मदद की, पूरी दुनिया को ये पता लगा कि हिंदुस्तान इतने शरणार्थियों को सहन कर रहा है, हमारा देश इतना कोई धनवान भी नहीं है कि वो इतने लाखों शरणार्थियों को अपनी धरती पे पाल सके, पोस सके और उनको पूरी तरह से उनका ख्याल रख सके। दूसरा, उनकी जो फौज जो बननी थी बाद में, उनको तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना, और 2-4 महीनों में ही आप एक रेगुलर आर्मी खड़ी करना, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। दूसरा, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका, जो पाकिस्तानी ज्यादातर सीनियर ऑफिसर और ये सब पाकिस्तानी के, तो या तो वो पहले ही चले गए थे या फिर वो उनको कोई जिम्मेवारी देनी दिखाती थी, तो बांग्लादेशी ही वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ता था, उनको चलाना पड़ा, जिसके लिए भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार किया, ट्रेनिंग किया। और दूसरा, जो आम जनता थी, जिस किस्म का माहौल, जिस तरह से उनके कैजुअलिटीज थी, उनका डिस्प्लेसमेंट था, तो उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको भी, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था जो हमारी जिम्मेवारी थी, हमने रिहेबिलिटेट किया। एक गवर्नमेंट को स्थापित करना और पूरे उसके ऑर्गन, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारे फौज, पुलिस, प्रशासन, ये सब तैयार करना एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। और सबसे पहले तो ये वहां पर जो डिफेंस के ऑफिसर्स थे उनकी जिम्मेवारी थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वो देख रहे थे, उसकी देख रेख जी में हुआ। तो किसी पाकिस्तानी या किसी बांग्लादेशी को नाजायज नुकसान नहीं हुआ जब से हमने कंट्रोल संभाला, जी हमने, अदरवाइज पाकिस्तान के ऑफिसर लिंच कर दिए जाते यदि हम उनकी देखभाल नहीं करते। हमने उनको पीडब्ल्यू बनाने के बाद भी और उससे पहले भी, जी
उनको कोई किसी किस्म के बांग्लादेशियों से नुकसान नहीं होने दिया। ये भी एक बिल्कुल दुश्मन के पीडब्ल्यू का जिनाव वार का एक कन्वेंशन के मुताबिक एक सही तरीके से उनको उनके साथ व्यवहार करना, उनको संरक्षण देना, ये भी हमारा बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल, काफ़ी यादगार दिन इसे इसीलिए कहा जाता है, विजय संकल्प दिवस इसलिए याद किया जाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उन कठिनाइयों को समझ सके, उन पलों को याद कर सके जिन पलों में भारत ने अपनी एक वैश्विक छाप छोड़ी थी। बांग्लादेश की मुक्ति के साथ ही उन्होंने एक ऐसी पहचान देश के तौर पर बनाई, जब किसी कि कोई पीड़ा सामने आती है, जब कोई मुश्किल में होता है तो उसके लिए चाहे वो कोई भी देश हो उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ा है। अगर उसकी वाजिब मांग है तो उसमें उसके साथ देश खड़ा हुआ है। इस पहचान के तौर पर भारत ने अपने आप को पूरी वैश्विक जमीन पर खड़ा किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बात बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की, देशव्यापी हड़ताल बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की है। देश भर में सरकारी बैंक की शाखाओं में काम ठप पड़ा है, बैंक शाखाओं में कामकाज पूरी तरह से बंद है, सभी तरह की बैंक सेवाएं इससे प्रभावित हो रही हैं, लोगों को इससे अच्छी खासी परेशानी भी हो रही है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर ये तैयारियां जो चल रही हैं उनका विरोध इस हड़ताल के जरिए किया जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी कि UFBU ने हड़ताल करने का ऐलान किया था। 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल के पहले दिन देश भर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहीं। SBI ने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय संगठन सहित 9 बैंक यूनियनों की एक संस्था यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की यह हड़ताल है। सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित कुछ निजी और विदेशी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। और AIBOI के जो अध्यक्ष हैं लोकेश मिश्रा जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश जी, जो मांगे हैं 2 दिन की आपने जो हड़ताल रखी है, प्रमुख मांगे तो यही है कि आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी इस हड़ताल के बाद आपकी जो आवाज है इतने दिनों से चली आ रही है निजीकरण के विरोध को लेकर, और बुलंद हो पाएगी? देखिए, लोकतंत्र आंदोलन जनता के अतिरिक्त तो कोई चारा भी नहीं है। कि सरकार की नीतियों का की मुखालफत अगर है तो हम निश्चित रूप से अंतिम रिकोर्स के तौर पर हड़ताल पर जाते हैं। और देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी सभी संगठनों के आह्वान पर जब बैंकिंग पूरी कार्यवाही को ठप किया है वो इसी बात को लेकर के किया है कि यह आंदोलन सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों के हितों से संबंधित नहीं है। सवाल यह है कि देश के अंदर आम जनता की जो जमाएं हैं वो कम से कम 85% उनकी जमाएं हैं जो पूरे इंडस्ट्री का जमा बनती है। और पिछला जो इतिहास रहा है वो ये है कि कॉरपोरेट घरानों ने इन जमाओं के सामने जो बैंकों से ऋण लिए वो एनपीए में कन्वर्ट हुए और बैंकों का पैसा जो डूबा वो पूंजीपतियों में ही डूबा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि 13 पूंजीपति घरानों के अंदर 4.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हुआ, उसमें से हेयर कट के नाम पर सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपए पे वसूली करके 2,85,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया गया। तो सीधी सीधी बात यह है कि वो पूंजीपति घराने जो बैंकों के ऋण ऋण लेकर के बैठे थे, जो बोरोवर थे, और उस स्थिति में अगर उन्होंने इतनी लंबी लूटमार कर ली है तो ये तय बात मान के चलिए कि जिस दिन उनको बैंकों का स्वामित्व दे दिया गया उस दिन देश की आम जनता का जो जमा बैंकों के अंदर है वो निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। पर एक बहुत सीधा सा प्रश्न है कि आम जनता की जो जमाएं हैं उनका ट्रस्टी, उनका न्यासी सरकार के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? तो पूंजीपति घराने जो भी हैं वो निजी बैंकों को चलाते हैं, आज भी निजी बैंक देश के अंदर हैं। सवाल सिर्फ एक, चलती हुई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनको क्यों बेचा जा रहा? और बैंकों पर तो अब सरकार आई है, इससे पहले पूरे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां हैं उनको ये सरकार निर्बाध रूप से अगर बेच रही है तो कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि देश की आम आवाम सरकार की इस नीति को जो जन विरोधी है, श्रम विरोधी है, उसको समझेगी और कर्मचारियों का आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उभरेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। लोकेश मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए थे, अध्यक्ष हैं AIBOI के। उनका कहना है कि निजीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये कि NPA काफ़ी खाते हुए और फिर उनको राइट ऑफ किया गया। जब निजी क्षेत्रों में इस तरह के बैंकों को घाटे में डाला जा रहा है, तो उसके बाद अगर इन सरकारी बैंकों को भी घाटे में डाल दिया जाता है तो जनता की जो जमा पूंजी है वो एक तरह से खतरे में पड़ जाएगी, और ये व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं है, और इसी वजह से वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।